भारती के सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक चाट का आइटम बनाने जा रहे हैं। हमारे व्यंजन का नाम है भेलपुरी। तो चलिए बनाते हैं भेलपुरी। भेलपुरी बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री होती है वह है ये मुरमुरे यानी कि पफ्ड राइस, और पूरी यानी कि ये जो पापड़ी होती है मैदे की पापड़ी, इसे हम पूरी कहते हैं। ये पूरी और मुरमुरे, ये दोनों चीज़ ज़रूर पड़ती हैं। इसके अलावा इसमें बूंदी और बारीक वाले सेव, जिसे नायलॉन सेव भी कहते हैं, ये भी डाले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाले सेव नहीं मिल पाते किसी वजह से, तो आप नॉर्मल भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह के मिक्सचर डाले जाते हैं, और कुछ लोग इसमें तली हुई मूँगफली भी डालते हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। लेकिन हमने जो मिक्सचर इसमें लिए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ऑलरेडी तली हुई मूंगफली है, इसलिए हम अलग से इसमें मूंगफली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये एक मैंने चटपटा मिक्सचर लिया है, ये एक खट्टा मीठा मिक्सचर लिया है, और थोड़ी सी चटपटी बीकानेरी भुजिया ली है। और हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ हमने 4 हरी मिर्च काट के रखी है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 प्याज को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को अवॉइड कर सकते हैं। धनिया पत्ती को भी हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और 1 नींबू का रस निकाल लिया है। भेलपुरी क्योंकि एक चाट का आइटम है, तो इस पे हम चाट मसाला भी डालेंगे, और इसे जायकेदार बनाने के लिए इसमें चटनियाँ डाली जाती हैं तरह तरह की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टोमेटो सॉस ली है, और एक पतली खट्टी चटनी इसके लिए हम तैयार करेंगे। ये चटनी आप इमली से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम इसे आमचूर से तैयार कर रहे हैं। तो एक बर्तन में मैं 2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इसमें डालूँगी चीनी कम से कम 5 से 6 चम्मच। ये हमें खट्टी मीठी चटनी तैयार कर रहे हैं। 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1/3 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, और लाल मिर्च ये भी मैं 1/3 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हम एक पतली चटनी तैयार कर रहे हैं, तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसमें मैंने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया है, और अब सभी चीज़ों को घोल लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दी है, और इस चटनी को हम थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें पतली चटनी रखनी है। इस चटनी को हमने 4-5 बार उबाल लिया है और फिर धीमा करके पकाया है, तो करीब 5-6 मिनट हमने इसे पका लिया है। और बस देखिए, ये ऐसी ही पतली चटनी हमें चाहिए। मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। अब एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम ये मुरमुरा डालेंगे। पापड़ी यानी कि पूरी जो हमने ली है उसे हम तोड़ते हुए डालेंगे क्रश करके। ये पापड़ी थोड़ी क्रंची होती है, इसलिए हम इसके लिए एक पतली चटनी तैयार करते हैं, क्योंकि जब हम पतली चटनी डालते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें थोड़ी सी भीग के सॉफ्ट पड़ जाती हैं। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे, मिक्सचर डालेंगे। सबसे पहले मैं चटपटा मिक्सचर डाल रही हूँ, फिर ये मैं खट्टा मीठा मिक्सचर डाल रही हूँ, और इसमें डाल रही हूँ चटपटी बीकानेरी भुजिया। आपके पास जो भी मिक्सचर अवेलेबल है आप उसमें डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो ये पतली चटनी बना के रखी है, सबसे पहले हम इसमें चटनी डालेंगे। 3-4 चम्मच चटनी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, नींबू का रस भी मैं इसमें डाल देती हूँ, हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने बचा के रखी है गार्निशिंग के लिए, हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज मत डालिए, लेकिन अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिए, क्योंकि प्याज से बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसमें लगभग 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला डालेंगे। बस हमारी भेलपुरी तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। चाट जब हम बनाते हैं तो इसकी आधी तैयारी हम पहले करते हैं, और बाकी की सर्व करते वक्त कर दी जाती है। हमने सब चीज़ मिला के रख ली है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे
प्याज, हरी मिर्च ऊपर से इस तरीके से डालने से इन सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ऊपर से डाला जाता है। हरा धनिया और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, वो है नायलॉन सेव, क्योंकि नायलॉन सेव बहुत ही बारीक होता है और पहले डालेंगे तो ये गल जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसे हम डालते हैं सबसे लास्ट में। इस तरह से आप जितना मर्जी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। और थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो लीजिए, तैयार है चटपटी स्वादिष्ट भेलपूरी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।